नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। इतने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़ चुके हैं उन सभी को यहां पर गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, जय सिया राम। तो बिना किसी देरी के यहां पर स्टार्टिंग करते हैं अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन की, और आज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहां पर डिटेल में डिस्कस करनी है आप सभी के द्वारा, आप सभी के लिए। ओके, सबसे पहले अगर हो सके जल्दी से सेशन की लिंक को, इस वीडियो की लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, या जहां कहीं भी आप इसे शेयर कर सकें, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ यहां पर जुड़ जाएं और मैक्सिमम लोग यहां पर हमारे साथ जुड़ सकें और इस सेशन को आगे लेकर बढ़ सकें। इस सेशन के बाद इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। ये होगा सुबह 9 बजे, आप इसमें भी जुड़िए और मुद्दों को समझिए। इसके बाद आज सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर स्टैटिक जीके पार्ट नंबर 17 को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, इसके लिए कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और रात 10 बजे आप इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक पेड कोर्स होगा जो कि हम यहां पर शुरू कर चुके हैं, मैं इसके बारे में पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूं। वाईफाई स्टडी बैंक ये ग्रुप बनेगा, यहां पर प्रबल सर, रितिका मैम, गौरी मैम और मैं यानी कि अंकित सर, आप सभी को ये चारों एजुकेटर्स यहां पर मिल जाएंगे। चारों एजुकेटर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे और ये कॉमन एक ग्रुप बनाया गया है आप सभी के लिए, ताकि सभी विद्यार्थी जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए इंटरेस्टेड हैं और बैंकिंग एग्जामिनेशंस को फिल करना चाहते हैं, वो इस ग्रुप से हमारे साथ यहां पर जुड़ जाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि क्रैश कोर्स ऑन इंडियन ज्योग्राफी, ये आपका जो बैच है ये आपका चल रहा है। अगर आप अपनी इंडियन ज्योग्राफी को और बेहतर करना चाहते हैं, भारतीय ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच को तुरंत ज्वाइन करें। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप 9125125 और 100 ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है यहाँ पर इस बैच को लेने में, या कोई भी डाउट है इस बैच को परचेज करने में कि सब्सक्रिप्शन कैसे होगा, सर जो अमाउंट है वो क्या हम पार्शियली पेमेंट कर सकते हैं, ईएमआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ईएमआई का ऑप्शन भी आपके लिए उपलब्ध है। आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। जीएस का कोर्स अवेल करने के लिए आपको टारगेट 10 जो कोड है वो आपको लगाना होगा, और टारगेट 10 कोड लगाने के बाद आप जीएस के इस कोर्स से इनरोल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप जीएस के अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और बाकी सब्जेक्ट्स के जो एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस, उनके पेड क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे, आपको फिर अलग से पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और जिन विद्यार्थियों को अमाउंट बड़ा लग रहा है, क्योंकि आई नो कि एक स्टूडेंट के तौर पर अगर अमाउंट कुछ हज़ार रुपये होता है तो ये सच में काफ़ी बड़ा अमाउंट है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो अभी कहीं भी वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो आप ईएमआई ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं और मंथली पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बैंक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी आपके वीडियोस वगैरह हैं बैंक से जुड़े हुए या बैंकिंग एग्जामिनेशन से जुड़े हुए, वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। CSIR नेट, UGC नेट और SSC एग्जाम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सभी चैनल्स की जो लिंक है वो आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं रिविजन। कल जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ आप सभी के साथ डिस्कस हुए थे, उन सभी MCQ को यहां पर करेंगे रिविजन। लेकिन आज का रिविजन वन लाइनर फॉर्म में नहीं है, आज का रिविजन ऑप्शन फॉर्म में ही है। मतलब कि जैसे कल हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उसी फॉर्म में रिवीजन को हम लोग यहां पर कंटिन्यू करेंगे। हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द BCCI फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए BCCI द्वारा किसे नॉमिनेट यहां पर किया गया है? रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, शिखर धवन को या KL राहुल को? सही जवाब यहां पर बनता है रोहित शर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन भी बनते हैं और एक जाने माने बल्लेबाज और ओपनर जो कि मैच में बैटिंग शुरुआत करते हैं वो बनते हैं। बात कर लेते हैं BCCI की, तो BCCI का फुल फॉर्म क्या बनेगा जल्दी से ये आप लोग टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। BCCI की बात करते हैं, BCCI का हेडक्वार्टर जो आपका बनता है वो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम बनता है। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम सबसे BCCI का हेडक्वार्टर बनता है, जबकि भारत का लार्जेस्ट स्टेडियम, भारत का लार्जेस्ट और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनता है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, इसे हम लोग सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। इस
स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी है जरा मुझे टाइप करके बताइएगा। ये अहमदाबाद गुजरात में आपका मौजूद है और इसे डोनाल्ड ट्रंप ने इनॉग्रेट किया था, ये तो आप सभी जानते ही हैं। बीसीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट बनते हैं सौरव गांगुली साहब, ये तो आप जानते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन रहे हैं और क्रिकेटर रहे हैं। सौरव गांगुली किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो वेस्ट बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी काफी लंबे समय पहले रिलीज हुई थी जिसका नाम था अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, इसको याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी भी काफी फेमस है, याद रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बनता है। युवराज सिंह की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी भी कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कुछ समय पहले युवराज सिंह को क्या हुआ था, कैंसर हुआ था, तो कैंसर से वो उबर गए थे, इसके लिए उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी थी। 1,10,000 बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और वानखेड़े अगर मैं बात करता हूं मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम की, तो यहां की जो दर्शक क्षमता बनती है वो बनती है आपकी 1,10,000 लोगों की दर्शक क्षमता बनती है। भारत का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है टाइप करके कमेंट बॉक्स में, भारत का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा बनता है टाइप करके कमेंट बॉक्स में। युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी बनती है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्या बनती है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी यहां पर बनती है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ से मिलती जुलती है द रेस ऑफ माई लाइफ, कोई बता सकता है, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, अगर हाँ तो जल्दी से मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में यहां पर बता दीजिएगा। प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। और एक मिलती जुलती ऑटोबायोग्राफी बनती है प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी बनती है, ये भी मुझे टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर सभी लोग जल्दी से यहाँ पर बता दीजिएगा। अगर बीसीसीआई इंडिया में क्रिकेट को कंट्रोल करती तो पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है वो आईसीसी बनती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर दुबई में मौजूद है और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर इसके वर्तमान चेयरमैन है और जल्द ही आईसीसी के चेयरमैन पद के लिए भी आपका चुनाव होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, ये आपको अगर याद है तो एक बार इस लिखकर और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बता दीजिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है, क्योंकि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न 1991 और 1992 में दिए गए थे। बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कारों के लिए किसे नॉमिनेट किया है, ऑप्शन आप सभी के सामने, जिसमें से सही जवाब बनता है शिखर धवन। शिखर धवन के अलावा ईशांत शर्मा और आपका दीप्ति शर्मा, ये भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी बनती हैं। तो दीप्ति शर्मा, ईशांत शर्मा और शिखर धवन, इन तीनों खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कारों के लिए यहां पर क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्हें 1991 में और 92 में आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के लिए यहां पर चुना गया था। याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार आपके माने जाते हैं। किस राज्य ने गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए यहां पर बात कही है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला एंड गोवा, करेक्ट आंसर पर बनता है केरला स्टेट। केरला राज्य की बात कर लेते हैं तो मॉनसून यहां पर पहुंच चुका है। अभी आईएमडी ने क्या किया था, आईएमडी ने जो यहां पर प्रेडिक्शन जारी किया है उसके तहत जो आपका मॉनसून है वो आपका केरल राज्य में पहुंच चुका है। सबसे पहले हर साल यहीं पर मॉनसून आपका पहुंचता है, ये फर्स्ट स्टेट बनता है इंडिया का जहां पर मॉनसून आपका पहुंचता है। कई बार ये ज्योग्राफी में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले मॉनसून कहां पहुंचता है, तो एक केरल राज्य में आपका पहुंचता है। केरल राज्य का एक निकनेम भी बनता है और ये निकनेम आपका बनता है क्या, केरल को क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, मसालों का बगीचा, गार्डन ऑफ स्पाइसेस या स्पाइस गार्डन भी कहा जाता है इंडिया में, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा केरल राज्य के वर्तमान चीफ मिनिस्टर पी विजयन साहब बनते हैं, इंपॉर्टेंट बनता है, नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा पी विजयन साहब। इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के आपके गवर्नर बनते हैं, ये भी रख लीजिएगा। केरल की बात कर लेते हैं तो केरल में कौन सी लेक मौजूद है, वेम्बा नद लेक आपकी मौजूद है। वेम्बा नद लेक क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे छोटी झील है, सबसे बड़ी झील है, क्या है, जल्दी से टाइप करके जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता दीजिएगा। केरल के बारे में और क्या हमारे लिए जानने योग्य है, कोरोना वायरस के सबसे पहले मामले हमें केरल राज्य में ही देखने को मिले थे और अभी भी केरल राज्य में काफी सारे मामले आपके देखने को मिल रहे हैं।
तो सारी चीजें यहां पर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में लगभग 9 वर्षों के बाद व्यावसायिक रूप से निर्मित अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष यात्रियों को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इसका बनता है नासा। नासा के बारे में मैंने आपको बताया था कि नासा की स्थापना कब हुई थी और नासा का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है। तो नासा कब स्थापित हुआ था वो ईयर और नासा का हेडक्वार्टर कहां पर मौजूद है, ये दोनों ही क्वेश्चन मुझे टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नासा शॉर्ट फॉर्म बनता है नासा शॉर्ट फॉर्म बनता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना तभी हुई थी जब भारत में DRDO की स्थापना हुई थी, वो आपको बताना है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर प्लस IMF का हेडक्वार्टर वहीं पर मौजूद है जहां पर नासा का हेडक्वार्टर मौजूद है, तो जल्दी से टाइप करके ये भी यहां पर बता दीजिएगा। रॉसकॉस्मोस रशियन स्पेस एजेंसी, ये तो आपको पता ही है। डग हरले और बॉब बेकन ये दो अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको हाल ही में स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी बनती है। एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, ये टेस्ला कंपनी के एक बड़े इन्वेस्टर हैं, ये तो आप जानते ही हैं। टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है और SpaceX वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट कंपनी आपकी बनती है जिसने एस्ट्रोनॉट्स को यहां पर ऑर्बिट में यानी कि अंतरिक्ष में आपका भेजा है। वर्ष 2020 के लिए दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान प्राप्त करने वाले एथलीटों की सूची में कौन यहां पर शीर्ष पर मौजूद है? हु हैज बीन टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन द वर्ल्ड फॉर 2020? करेक्ट आंसर यहां पर बनता है रोजर फेडरर टेनिस के गेम के एक जाने माने खिलाड़ी हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आगे चल के कि कौन सा खिलाड़ी किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा। लियोनेल मेसी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। नेमार की बात करते हैं तो नेमार आपके ब्राजील से संबंधित हैं। और ये आपको बताना कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये दुनिया के जाने माने फुटबॉलर हैं, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में यहां पर बता दीजिएगा। टेनिस के गेम की बात करते हैं तो टेनिस के खेल में चार आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से? US ओपन होता है, US ओपन के अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के अलावा विंबलडन ओपन होता है, और इसके अलावा जो होता है आपका फ्रेंच ओपन आपका होता है। इस साल के लिए जो विंबलडन ओपन है ये होने वाला था, इसको कैंसिल कर दिया था बिकॉज कोरोना महामारी को देखते हुए। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा बनता है? विंबलडन टूर्नामेंट ही आपका सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बनता है, और सबसे लेटेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बनता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। अरे ये मैंने ओपन लिख दिया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या बनता है? सबसे लेटेस्ट आपका बनता है, सबसे नया, सबसे पहला, या यूं कहें कि सबसे बाद में शुरू किया गया ग्रैंड स्लैम यहां पर बनता है। अच्छा, विंबलडन ओपन की मैं बात करता हूं तो विंबलडन ओपन किस तरह के कोर्ट पर खेला जाता है, किस तरह के मैदान पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर, क्ले कोर्ट पर या फिर ग्रास कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट, ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। हाँ, US, फ्रेंच, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओल्डेस्ट विंबलडन बनता है, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका न्यूएस्ट ग्रैंड स्लैम बनता है। अब मैंने आपसे पूछा है कि विंबलडन ओपन टूर्नामेंट किस तरह के ग्राउंड पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर, क्ले कोर्ट पर या फिर आपका ग्रास कोर्ट पर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपके जो खिलाड़ी बनते हैं वो पुर्तगाल के खिलाड़ी बनते हैं, पोर्तुगीज खिलाड़ी हैं, ये आपको यहां पर याद रखना है। एकता तिवारी जी ने बता दिया है हार्ड कोर्ट, जो कि गलत है। ऋषिता जी कह रही हैं ग्रास कोर्ट, जितने भी लोग ग्रास कोर्ट कह रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर सही है, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। माता पिता का वैश्विक दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिन पर मनाया जाता है, ये तारीख आपकी क्या बनती है? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज UN रिकॉग्नाइज डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? तो 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को ही आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे भी आपका मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? ये आपका 1 जून को आपका मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे से संबंधित या मिल्क उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो व्हाइट रेवल्यूशन। व्हाइट रेवल्यूशन हमारे देश में मिल्क उत्पादन से संबंधित है, जिसके लिए भारत में फादर ऑफ मिल्क रेवल्यूशन कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन साहब।
वर्गीज कुरियन साहब के द्वारा अमूल की स्थापना की गई थी, द टेस्ट ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा। अमूल का फुल फॉर्म बनता है आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसे गुजरात के आणंद नाम की जगह में स्थापित किया गया था। व्हाइट रेवल्यूशन के अलावा मुझे ये बताइए जरा कि वर्तमान में दुनिया में मिल्क यानी कि दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री कौन सा है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन वर्तमान में किस कंट्री का है, ये भी आपको यहां पर बताना होगा। वर्ल्ड मिल्क डे की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी, क्योंकि 1945 में ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया आपकी तबाह हो चुकी थी, पूरी दुनिया को यहाँ पर सपोर्ट की जरूरत थी और पैसों की जरूरत थी, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर यूएन एजेंसी को स्टैब्लिश किया गया ताकि दुनिया को फिर से खड़ा किया जा सके, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा से उनके पैरों पर खड़ा किया जा सके। हाँ, वर्गीज कुरियन वहाँ पर बिल्कुल सही है, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पोजिशन पर है, ये याद रखिएगा। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट टॉप पोजीशन पर है, मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा राज्य टॉप पोजीशन पर है? एक बार अगर आपको पता है इसकी जानकारी तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके, ठीक है। किस बैंक ने हाल ही में प्रतिज्ञा शेयरों के माध्यम से डिश टीवी में 24.9% हिस्सेदारी हासिल की है, कंपनी का ये दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनने के लिए, और इसके साथ ही ये कंपनी डिश टीवी में, ये बैंक डिश टीवी में दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक यहां पर बन जाएगा। सही जवाब यहां पर बनता है एक्सिस बैंक। प्लेस शेयर क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लेस शेयर एक तरह के गिरवी शेयर होते हैं जिनको बैंक के द्वारा यहां पर खरीदा गया है। तो प्लेस शेयर क्या है, एक तरह के गिरवी शेयर है जिसे एक्सिस बैंक के द्वारा यहां पर खरीद लिया गया है डिश टीवी में। एक्सिस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी, किसके द्वारा, राणा कपूर के द्वारा, यह भी आपको पता है। हेडक्वार्टर यहां पर बनता है मुंबई, कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई बनता है, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई बनता है और एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर भी आपका मुंबई बनता है। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर मुंबई बनता है और ये भारत का लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, जबकि एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट आपका पब्लिक सेक्टर लेंडर है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो पहले एक्सिस बैंक को यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम में आया था कि एक्सिस बैंक को उसका नाम एक्सिस बैंक कब मिला या इससे पहले इस बैंक को किस नाम से जाना जाता था, लिखा गया था कि कब यूटीआई बैंक को एक्सिस बैंक में कन्वर्ट किया गया। तो ये तो आपको पता है कि यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बनती है, याद रखिएगा भारत की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी आपकी बनती है यूटीआई। 1963-64 के आसपास भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू किया था यूटीआई ने, ठीक है। आगे चल के ये कंपनी आपकी बैंकिंग सेक्टर में भी आ जाती है और बैंकिंग सेक्टर में इसका नाम यूटीआई बैंक होता है और आगे चल के 2007 में यानी कि 2007 में यूटीआई बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर लिया। एक्सिस बैंक वर्तमान में भारत के प्राइवेट सेक्टर का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनता है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनता है आईसीआईसीआई बैंक यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म यहां पर बनता है। ये सारी चीजें यहां पर कोरिलेट करते हुए याद रखिएगा। 2007 बिल्कुल सही जवाब आपका बनता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, खाद्य नियामक FSSAI के नए CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नेम द न्यूली अपॉइंटेड CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फूड रेगुलेटर FSSAI। कल मैंने आपको FSSAI का फुल फॉर्म बताया था, फूड स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहीं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म बनेगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये FSSAI। इसकी वर्तमान चेयरपर्सन आपकी बनती है रीता तेवतिया, ये मैंने कल बताया था, रीता तेवतिया यहां पर इसकी क्या बनती हैं, चेयरमैन बनते हैं, जबकि अरुण सिंघल जी को हाल ही में CEO नियुक्त किया गया है। ये कंपनी काफी लंबे समय से विवादों में रही है, इस कंपनी में अनियमितताएं पाई गई थी। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है और PR जयशंकर यहां पर सही जवाब बनता है। मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब जो कि एक क्रिकेट टीम है, इसका मुख्यालय कहां पर मौजूद है? इसका मुख्यालय UK यानी कि ब्रिटेन में मौजूद है। आपको पता होगा लंदन में आपका क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला आपका एक स्टेडियम मौजूद है, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, उस स्टेडियम का नाम क्या बनता है, टाइप करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब की बात करते हैं तो हाल ही में अगर मैं बात करूं इसके चेयरमैन के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए, यहां पर कुमार संगकारा को दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा शुरू किया गया है, इसका मुख्यालय कहां पर मौजूद है? वाडा का फुल फॉर्म आपके एग्जाम का हिस्सा बनेगा, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी।
डोपिंग के बारे में मैंने कल बताया था कि नशीली दवाइयों का जो सेवन करते हैं उसको रोकना, नशीली दवाइयां या यूं कहें कि ऐसी दवाइयां, ऐसे ड्रग्स जो कि आपके खेल में आपकी ताकत को बढ़ा सकते हैं, ऐसी दवाइयों का सेवन ना करें खिलाड़ी। और खेल में यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो खेल में वो दूसरे खिलाड़ियों से यहाँ पर दवाइयों के बलबूते बेहतर प्रदर्शन ना करें, इसके लिए वाडा काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसको यहाँ पर कहा जाता है। भारत में भी एक इसी तरह की एजेंसी, इसको नाडा कहा जाता है। नाडा का फुल फॉर्म क्या बनता है ये भी आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में आपका मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर वन हियर इज द राइट आंसर। कनाडा की बात करते हैं तो ओटावा कनाडा की करेंसी बनती है, ओटावा कनाडा की करेंसी बनती है, जबकि सॉरी उल्टा बोल दिया, ओटावा राजधानी बनती है किसकी, कनाडा की, और डॉलर यहाँ की आपकी करेंसी बनती है। अब इस तरह से इसको याद रखिएगा। करीपुर हवाई अड्डा किस राज्य में मौजूद है, राज्य तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि केरला राज्य है। सिटी क्या बनती है टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस सिटी में आपका करीपुर हवाई अड्डा आपका मौजूद है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ मौजूद है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में मौजूद है टाइप करके कमेंट बॉक्स में, बाबा भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ पर मौजूद है टाइप करके कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर मौजूद है टाइप करके कमेंट बॉक्स में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पर मौजूद है टाइप करके कमेंट बॉक्स में, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट टाइप करके कमेंट बॉक्स में, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के किस शहर में मौजूद है टाइप करके कमेंट बॉक्स में, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में मौजूद है टाइप करके कमेंट बॉक्स में, गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में मौजूद है टाइप करके कमेंट बॉक्स में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका मौजूद है कोलकाता शहर में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका मौजूद है नई दिल्ली में, बाबा भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका मौजूद है नागपुर में, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका मौजूद है हैदराबाद में, CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये आपका जो बनता है ये आपका मुंबई में मौजूद है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ मौजूद है टाइप करके कमेंट बॉक्स में, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका मौजूद है वाराणसी शहर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका मौजूद है अहमदाबाद में, और यहीं पर आपका मौजूद है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल स्टेडियम भी। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर ये भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है, बाकी लोग बताएं। और ये क्या है, BM इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका कहां पर मौजूद है, बिरसा मुंडा झारखंड रांची, करेक्ट है ना, झारखंड रांची करेक्ट आंसर है। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता रहे हैं, इनको एक चमत्कारिक आदिवासी नेता कहा गया है, लोग कहते थे ये अमर है, आपने इतिहास में अगर इनके बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा GB यानी कि गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका गुवाहाटी में मौजूद है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है, और अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका इंदौर में मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद करते हुए चलिएगा, कब कौन सा एयरपोर्ट पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं है। बैंगलोर टाइगर बुक किस भारतीय IT कंपनी पर आधारित है, किस IT कंपनी पर लिखी गई है, HCL TCS इंफोसिस विप्रो, करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है विप्रो, क्या बनता है करेक्ट आंसर विप्रो, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स की, 3 जून की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, कल जितनी भी कल इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी बनती है उन पर आधारित MCQs को यहाँ पर एक एक करके देखना शुरू करेंगे। यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा, लाइक थम्सअप जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आया है। बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर अर्जुन अवार्ड फॉर बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, निकहत जरीन, लैशराम सरिता देवी, लोवलीना बोरगोहिन या फिर पिंकी रानी। जिस तरह से बीसीसीआई ने शिखर धवन, ईशांत शर्मा,
और दीप्ति शर्मा विमेन क्रिकेट टीम से इनको नॉमिनेट किया अर्जुन पुरस्कार के लिए। उसी तरह से बॉक्सिंग फेडरेशन ने भी अपने प्रसिद्ध खिलाड़ियों को यहाँ पर नॉमिनेट किया है, जिसमें से सही जवाब आपका बनता है लोवलिना बोरगोहेन, एक जाने माने आपके बॉक्सर बनेंगे। इनका नाम नोट करने का प्रयास कीजिए, नाम थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा अलग है। तो क्या है ना कि आपके एग्जाम में सीधा इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेल और खिलाड़ी, कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो लोवलिना बोरगोहेन ये किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, ये बॉक्सिंग से जुड़े हुए आपके खिलाड़ी हैं, ये भी अलग से नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव कब होने वाले हैं, किस तारीख को होने वाले हैं, वेन विल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन विल बी हेल्ड, ऑप्शन आप सभी के सामने है। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 5 ही कंट्री हैं जो कि जिनको स्थायी सदस्यता आपकी मिली हुई है, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी चाइना यहां पर आपका सदस्य बना हुआ है। चाइना के अलावा यहां पर अमेरिका यानी कि यूएसए भी यहां पर आपका चेयरमैन बनता है। इसके अलावा बाकी 3 कंट्रियों के नाम क्या बनते हैं, जरा मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अमेरिका और चाइना तो यहां पर है, इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया भी आपका क्या बनता है, ये आपका कंट्री बनता है। 2 और कंट्री कौन कौन से हैं जो कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर हैं, इसके अलावा 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं, और भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पर बनता है, नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पर भारत यहाँ पर बनता है। इसका सही जवाब यहाँ पर होगा 17 जून से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो चुनाव है वो यहाँ पर शुरू हो रहे हैं, 17 जून करेक्ट आंसर बनेगा। यूएन डे कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, क्योंकि इसी तारीख को 1945 में यूएन की शुरुआत हुई थी, ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। यूके है, चलो यूके मान लिया। इसके अलावा एक और कंट्री आपकी बाकी है, उस कंट्री का नाम भी बताइए। यूके के अलावा फ्रांस है, यूके और फ्रांस, रशिया और फ्रांस, यूके और फ्रांस, इटली है या नहीं है, इटली है या नहीं है, है लवलीना नहीं, 24 अक्टूबर, हाँ 24 अक्टूबर सही कह रहे हैं, 24th of October यहां पर सही जवाब बनता है। यूएन डे आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा यहां पर दिया गया है। यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया, बिल्कुल सही है। यूके के अलावा आपका जो रह गया वो फ्रांस रह गया है, इटली यहां पर सदस्य नहीं बनता है। 2 जून 2020 को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया, विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे ऑन 2 जून 2020, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और तेलंगाना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे जवाब देकर बता दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2014 में हुई थी और तारीख आपकी बनती है आपकी 2nd of June, और ये भी याद रखिएगा कि 2nd June ही आपका आंध्र प्रदेश राज्य का भी स्थापना दिवस आपका बनता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर का निधन हो गया, उनका नाम क्या बनता है टाइप करके कमेंट बॉक्स में। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य में 1936 में 1936 में भारत का पहला नेशनल पार्क स्थापित किया गया था, टाइप करके कमेंट बॉक्स में। उत्तराखंड के वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर आपकी बनती है, ये भी आप लोग साथ ही साथ याद करते हुए चलिएगा। झारखंड की बात कर लेते हैं तो हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते हैं, याद रखिएगा। और झारखंड के वर्तमान गवर्नर कौन बनते हैं, इसका नाम आप लोग मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता दीजिएगा। तेलंगाना के वर्तमान चीफ मिनिस्टर बनते हैं सी चंद्रशेखर राव, इनका नाम भी आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। अजीत जोगी साहब का निधन हो गया है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर आपके बना करते थे, और जब इस राज्य की स्थापना हुई थी 2000 में तो ये उस राज्य के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बनते थे। किस राज्य ने अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर की जानकारी प्रदान करने के लिए, कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस अस्पताल में यहाँ पर बेड और वेंटिलेटर खाली है, वहां पर मरीज को एडमिट कराया जा सकता है, उसके लिए एक कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। विच स्टेट हैज लॉन्च अ कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हॉस्पिटल बेड्स एंड वेंटिलेटर्स, इसका सही जवाब यहाँ पर बनता है दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं अरविंद केजरीवाल, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं मनीष सिसोदिया। यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं उनका नाम बनता है अनिल बैजल जी, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बनेंगे। इसके अलावा दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली को राजधानी के तौर पर कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया, एक बार टाइप करके कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे बता दीजिएगा।
इसके अलावा दिल्ली किस नदी के किनारे मौजूद है? दिल्ली आपका यमुना रिवर के किनारे मौजूद है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है। दिल्ली के बारे में मैंने कल आपको बहुत सारी जानकारियां भी दी थी कि दिल्ली में कौन कौन सी मॉन्यूमेंट्स और कौन कौन सी बिल्डिंग्स आपकी मौजूद हैं, जैसे कि कुतुब मीनार है, इसके अलावा लाल किला है, इसके अलावा जामा मस्जिद है। इसके अलावा आप लोग भी एक लिस्ट तैयार करिए, सभी लोग अपना होमवर्क के तौर पर आज एक काम करिएगा कि दिल्ली शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं उनकी लिस्ट जरूर तैयार करिएगा, ताकि आपको कुछ नया सीखने को वहां पर जरूर मिले। ओके, चलिए। विश्व दुग्ध दिवस एक वैश्विक इवेंट है, एक ग्लोबल इवेंट है, जो कि हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये हर साल 1 जून को आपका मनाया जाता है। 1911, बिल्कुल सही है। कौन से किंग आए थे, किस किंग के आने पर या किस किंग के भारत आने पर उनकी लिए एक ग्रैंड दरबार का आयोजन किया गया था, और उस ग्रैंड दरबार में क्या किया गया था? ये घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली मूव किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की अगर हम लोग बात करते हैं तो अंग्रेजों के ज़माने में दिल्ली से लेकर लाहौर तक और दिल्ली से लेकर बंगाल तक दिल्ली एक सेंट्रल लोकेशन बनती थी, जबकि अगर मैं कोलकाता की बात करता हूँ ये बंगाल में मौजूद था, और अंग्रेजों को प्रशासन की दृष्टि से काफ़ी दिक्कतें आ रही थीं, क्योंकि लाहौर से अगर मैं बात करता हूँ, कोलकाता से लाहौर पाकिस्तान तक के एरिया को कवर करना मुश्किल था। यही रीज़न था कि हमें एक सेंट्रल लोकेशन की ज़रूरत थी। ये इस तरह से इंडिया का मैप आपका बनेगा, जम्मू एंड कश्मीर का इलाका, यहाँ पर अक्साई चीन का इलाका बनेगा, ये आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के अलावा नेपाल, हमारी उससे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय यहाँ पर बनेगा, ये वेस्ट बंगाल का एरिया हो जाएगा, इस तरह से होते हुए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर गुजरात के हिस्से से महाराष्ट्र होते हुए गुजरात और कर्नाटका के हिस्से से होते हुए कुछ भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक ठाक बन गया है। ये आपका दिल्ली है, पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती, तो याद रखिएगा कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता आपका हुगली नेवर के किनारे है, कोलकाता हुगली रिवर के किनारे है, जो कि गंगा नदी की एक क्या बनती है? गंगा नदी की एक ब्रांच बनती है, गंगा नदी की एक शाखा बनती है, ठीक है। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर रहीं। तो क्या था ना कि और पहले बांग्लादेश भी किसका हिस्सा हुआ करता था? बांग्लादेश, ये वाला हिस्सा जो बांग्लादेश का हिस्सा, ये हिस्सा भी क्या हुआ करता था? इंडिया का हिस्सा होता था, और यहाँ पर आपका पाकिस्तान आपका कुछ इस तरीके से बनता है। तो पाकिस्तान भी पहले किसका हिस्सा होता था? पाकिस्तान भी पहले हिंदुस्तान का हिस्सा ही हुआ करता था। तो कोलकाता से लेकर लाहौर, यहाँ कहीं लाहौर होना चाहिए, तो कोलकाता से लेकर लाहौर की अगर हम लोग बात करते हैं, कंट्रोल करना प्रशासन की दृष्टि से काफ़ी मुश्किल था, और आप सभी जानते हैं कि मुगल काल से लेकर दिल्ली जो रही है, मुगल काल से जो दिल्ली, हाँ, किंग जॉर्ज पंचम, बिल्कुल सही है, किंग जॉर्ज पंचम, जितने भी लोगों ने आंसर किया, किंग जॉर्ज पंचम के दरबार में यहाँ पर ये घोषणा की गई थी। तो दिल्ली एक सेंट्रल लोकेशन आपकी बनती है, और मुगल दरबार में भी अगर हम लोग बात करें, मुगल शासन काल में भी दिल्ली आपकी राजधानी रही थी। तो यही रीजन था कि आगे चल के अंग्रेजों ने यहाँ पर दिल्ली इसको मूव किया। लाहौर किस बैंक का पहले हेडक्वार्टर हुआ करता था? उस बैंक का नाम टाइप करके मुझे कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताइएगा। यहाँ से आपकी सिंधु नदी निकलती है, जो कि ओरिजिनेट होते हुए यहाँ पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और कराची के बंदरगाह से होते हुए अरब सागर यानी कि अरेबियन सी में आपकी गिरती है। तो सबसे पहले सिंधु नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये भी याद रखिएगा, और ये पाकिस्तान की नेशनल रिवर बनती है, राष्ट्रीय नदी बनती है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इंटर करते हुए ये असम राज्य से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसे आप स्टैटिक जीके भी मान सकते हैं। असम राज्य में इस नदी के ऊपर एक इनलैंड आइलैंड भी मौजूद है, रिवर लैंड कहेंगे हम इसको, आइलैंड नहीं कहेंगे इसको, हम लोग रिवर आइलैंड कहेंगे, यानी कि नदी के द्वीप, नदी अगर आपकी बह रही है और नदी के बीचों बीच में एक छोटा सा टापू मौजूद है, इसको हम लोग रिवर आइलैंड कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, इसे 2016 में जिले का दर्जा भी दिया गया था। इसका नाम क्या बनता है टाइप करके ये भी कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता दीजिएगा। अच्छा, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक कुल कितने भारतीय राज्य हैं जो कि समुद्री रेखा को टच करते हैं? तो आंसर वहां पर हो जाएगा आपका क्या, टोटल 9 स्टेट ऐसे बनते हैं, टोटल 9 राज्य ऐसे बनते हैं जो कि समुद्री रेखा को टच करते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और वेस्ट बंगाल है। टोटल कितने हो गए? 9 राज्य हो गए। इस तरफ अरब सागर बनता है और इस तरफ बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी बनती है। तो कुल कितने भारतीय राज्य अरब सागर की तरफ मौजूद हैं और कुल कितने भारतीय राज्य बंगाल की खाड़ी की तरफ मौजूद हैं, ये भी टाइप करके बता दीजिएगा।
बिल्कुल सही जवाब यहां पर दिया है 1948 तक, 1948 तक आरबीआई यानी कि भारत के रिजर्व बैंक ने क्या किया है, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के तौर पर भी काम किया है, यह भी याद रखिएगा। अरब सागर की तरफ टोटल 5 भारतीय राज्य मौजूद हैं, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, केरल 4 और कर्नाटका 5, और 4 भारतीय राज्य आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ मौजूद है, तो याद रखिएगा। हाँ, माजली रिवर आइलैंड बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अमेरिकी खिलाड़ी बॉबी मोरो का 84 साल की उम्र में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, एक क्रिकेटर थे, एक धावक थे, फुटबॉलर थे, क्या थे? अमेरिकन प्लेयर बॉबी मोरो पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84, ही वॉज रियॉन्ड हॉकी प्लेयर, क्रिकेटर, स्प्रिंटर और फुटबॉलर। धन्यवाद डोरेमोन, करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, ये एक जाने माने स्प्रिंटर थे, एक अमेरिकन खिलाड़ी थे, और कुछ जानने की जरूरत है नहीं। अगला प्रश्न, नई परिभाषाओं के अनुसार अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन MSMEs, MSME का फुल फॉर्म बनता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट एंड टर्नओवर ऑफ हाउ मच अमाउंट विल बी क्लासिफाइड एज माइक्रो यूनिट्स। आपको बताना है कि माइक्रो, एक तो होती है माइक्रो यूनिट, एक होती है मीडियम यूनिट, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल यूनिट्स। तो माइक्रो यूनिट्स अब जो नई डेफिनेशन के अनुसार किसे माइक्रो यूनिट्स कहा जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा तो इसे माइक्रो यूनिट्स कहा जाएगा, और इसका एनुअल जो टर्नओवर होगा, टर्नओवर का मतलब है टोटल जो सेलिंग और परचेजिंग होगी एक साल में वो आपकी कितनी होगी, तो ये आपको बताना है 75 लाख से 1 करोड़। पहले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बताना है, फिर आपको टर्नओवर का अमाउंट बताना है। करेक्ट आंसर यहां पर बनता है 1 करोड़ एंड 5 करोड़। 1 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ कम से कम इसका टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर, नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी जो ट्रेसिंग ऐप है उसका नाम बताइए, नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, द वायर, आरोग्य सेतु, गो बैक और स्विस कोविड। हाँ, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री बनती है उसके मिनिस्टर आपके नितिन गडकरी बनते हैं, और नितिन गडकरी साहब की बात करें तो वो आपके क्या बनते हैं, नितिन गडकरी साहब आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी यहां पर बनते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो सारंगी जी हैं, आपको याद होगा सारंगी जी ने शपथ कैसे ली थी, चप्पल पहने हुए पहुंच गए थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदे हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और आपने देखा भी होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 2019 में तो इनके काफ़ी चर्चे हुए थे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल कुर्ता पैजामा पहनकर और पैरों में इनके चप्पलें थी और ये वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने शपथ ली थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है आरोग्य सेतु, याद रखिएगा। काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डा इनमें से किस शहर में स्थित है, जल्दी से टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, इस्लाम एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, लद्दाख, देहरादून, दुर्गापुर, जलंधर। लद्दाख की बात कर लेते हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एट प्रेजेंट, ओके। और ये टोटल टू यहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट आपके बनते हैं, कौन कौन से, करगिल और लेह, कैपिटल आपकी बनती है लेह, ये भी आप लोग याद रखेंगे। लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी आपका मौजूद है जिसका नाम बनता है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, स्नो लेपर्ड्स के लिए प्रसिद्ध है, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुए कहाँ के नेशनल एनिमल बनते हैं, तो ये अफगानिस्तान का नेशनल एनिमल बनता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर जो सही जवाब बनेगा दुर्गापुर, दुर्गापुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो दुर्गापुर स्टील प्लांट भी आप सभी ने सुना होगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर मौजूद है, ये वेस्ट बंगाल में मौजूद है, क्योंकि दुर्गा पूजा से याद रखेगा कि दुर्गा पूजा सबसे अधिक कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो ये वेस्ट बंगाल में प्रसिद्ध है, तो दुर्गापुर कहाँ हो जाएगा, ये आपका
वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की वर्तमान चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बनती हैं और यहाँ के वर्तमान जो गवर्नर है वो जगदीप धनकर साहब बनते हैं। हाल ही में अम्फान तूफान की तबाही के बाद केंद्र सरकार के द्वारा वेस्ट बंगाल को 1,000 करोड़ की यहाँ पर सहायता दी गई है और उड़ीसा राज्य को यहाँ पर सहायता जो दी गई है वो दी गई है 500 करोड़ रुपए की, ये भी याद रखिएगा। हाँ, 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका स्थापित हुआ था। इनमें से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में आपका स्थित है? दिस डैम इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ऑप्शन आप सभी के सामने, जल्दी से मुझे बताइएगा। बरना डैम, बरना रिवर, ये आप याद रखिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में आपका मौजूद है। अगला प्रश्न, मोइन उलहक स्टेडियम भारत के शहर में मौजूद है? ये एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है, इसका कई अलग अलग खेलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। लखनऊ में आपका मौजूद है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में मौजूद है। लखनऊ, गोमती नदी, लखनऊ नवाबों का शहर, जीआई टैग बात करते हैं तो आपका बन जाएगा कौन कौन, लखनऊ जरदोजी और लखनऊ की चिकनकारी आपकी यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर सही जवाब जो बनेगा वो पटना बनेगा। पटना में आपका मोइन उलहक स्टेडियम मौजूद है और पटना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है टाइप करके कॉमेंट बॉक्स में, पटना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है टाइप करके कमेंट बॉक्स में। आज का स्टेट ऑफ द डे जो है वो बनता है आपका मिजोरम स्टेट। आप मिजोरम को यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि ये जो आप रेड कलर का स्टेट देख रहे हैं ये आपका मिजोरम है। मिजोरम के ऊपर यहाँ पर आपका मणिपुर स्थित है और यहाँ पर आपका त्रिपुरा स्थित है ना। चलो मिजोरम के बारे में देखते हैं। तो मिजोरम को स्टेट होड राज्य का दर्जा मिला था, अगर हम लोग बात करते हैं इसे 1972, लेकिन कंप्लीट राज्य का जो दर्जा मिलता है 1987 में मिलता है। आइजोल यहाँ की राजधानी बनती है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 8 बनते हैं। पीएस श्रीधरन पिल्ले यहाँ के गवर्नर बनते हैं जबकि जोरम थंगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपके लिए बनते हैं। एनिमल की बात करते हैं तो सरोव नाम का जो पशु है वो यहाँ का स्टेट एनिमल बनता है, जबकि ह्यूम तीतर जिसे वावू भी कहा जाता है, बाबू नहीं वावू है ना, ह्यूम्स प्रीजेंट यानी कि ह्यूम तीतर इसे वावू कहा जाता है, ये यहाँ की स्टेट बर्ड बनती है। हेर हसे नाम का जो पेड़ है वो आपका यहाँ पर नाहर के नाम से भी जाना जाता है, ये यहाँ का राजकीय वृक्ष बनता है। रेड वांडा ये आपका क्या बनता है, यहाँ का फूल बनता है। अब पांडा का नाम आ ही गया है तो जायंट पांडा किस कंट्री का नेशनल एनिमल बनता है टाइप करके कमेंट बॉक्स में। नेपाल का नेशनल एनिमल क्या बनता है टाइप करके कमेंट बॉक्स में, ये दोनों चीज आप लोग जल्दी से मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में यहां पर बता दीजिएगा। क्या था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था ये, हाँ जायंट पांडा ये चाइना का नेशनल एनिमल आपका बनता है याद रखिएगा। और मैंने और क्या पूछा है, मैंने नेपाल का नेशनल एनिमल भी शायद आपसे पूछा है तो वो आपका काऊ बनता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं मिजोरम की तो कुल फसल क्षेत्र का लगभग 63% यहां पर झूम खेती होती है। झूम खेती क्या होती है, जो आपके पहाड़ी एरियाज हैं, जो भी आपके पहाड़ी राज्य हैं, तो वहाँ पर पहाड़ी राज्यों में क्या होता है कि पहाड़ों पर खेती करना आसान नहीं होता क्योंकि वहाँ पर समतल मैदान नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर क्या होता है कि झूम खेती की जाती है, मतलब कि सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, झूम खेती तो होगा, टेरेस फार्मिंग जिसको कहते हैं। ओके, मुख्य बागवानी फसलों की बात करें, मंदारिन है, ऑरेंज है, केला है, प्रेशर फ्रूट है, अंगूर है, हटकोरा है और अनानास है और पपीता है यहाँ पर उगाए जाते हैं। फेस्टिवल्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं तो फेस्टिवल्स हैं आपके चाप चर कुट फेस्टिवल मनाया जाता है, मीम कुट फेस्टिवल मनाया जाता है, तलफ वंग कुट फेस्टिवल है। तो जिन भी फेस्टिवल के लास्ट में कुट लगा हो याद रखिएगा वो आपके मिजोरम के फेस्टिवल्स हैं। मुरलेन नेशनल पार्क यहीं पर आपका मौजूद है
इसके अलावा फवाईपुर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर मौजूद है, दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य या दम्फा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी यहीं पर मौजूद है। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर रहीं। चलिए, तो फेस्टिवल्स यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी रही, आज की क्लास में कम डिस्कशन हुआ है आई नो, और कल की क्लास में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मैक्स टू मैक्स एक घंटे की पूरी क्लास दी जाए। रिवीजन सेशन भी आपके लिए पावरफुल बने, बूस्टर बने, पावरफुल बूस्टर बने आपके लिए। और इसके अलावा न्यूज़ को आज एक भी शामिल नहीं कर पाए, और न्यूज़ को कल शामिल किया जाएगा। तो कल की क्लास में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आज की क्लास में कुछ चीज़ें यहाँ पर हम प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 9 बजे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 11 बजे अन अकेडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी, पार्ट नंबर 17 स्टैटिक जीके। और रात के 10 बजे हम लोग इंडियन रिवर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका इंडियन ज्योग्राफी का जो कोर्स लॉन्च किया गया है, इंडियन ज्योग्राफी का, इसको आप परचेज कर सकते हैं। और इसका आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं ईएमआई के माध्यम से। पेमेंट करने में कोई दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं 9125125100। ये टेक्स्ट मैसेज आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको ये परचेज करने में कोई दिक्कत आती है। देन उम्मीद है क्लास ठीक ठाक लगी ही होगी। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आज आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन फिर भी आपकी ज़रूरतों को थोड़ा बहुत तो पूरा कर ही दिया होगा। ठीक, कुछ तो ठीक लगी ही होगी। ठीक लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कल की क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी, इसका मैं दावा करता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों मेरे साथियों इतना ही, मिलते हैं 9 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में, और उसके बाद 11